गुड इवनिंग बच्चों, आज हम विभाज्यता के नियम और उनकी उपयोगिता पढ़ेंगे। अब ये देखो, इनके जो अपन जो नियम दे रखा है, विभाज्यता के नियम और उनकी उपयोगिता, ये है ना कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ तक कि जो आने वाले जो जो जॉब के लिए जो एग्जाम लगते हैं ना, उनमें भी बहुत उपयोगिता होती है इनकी। अविभाज्यता के नियम क्या होते हैं, जो कक्षा 6 में चलती है, एक प्रश्नावली 3.2, 4 चलती है उसमें उपयोग में आता है, और ये आगे जो अदर प्रश्नावली है 3.3, हाँ छठी की 3.3 जो प्रश्नावली चलती है 3.3, उसमें बहुत उपयोग में आता है। साथ साथ कक्षा 7, 8, 9 और 10 में तो खासकर आता है, और उनकी उपयोगिता क्या होती है, इनके नियम की उपयोगिता क्या है, ये लास्ट में बताऊंगा। पहले ये पढ़ना कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, जैसे 2 का क्या होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 11 तक, मेन तो 11 तक ही होता है, बाकी का फिर ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते आप आराम से कर सकते हो। ज़्यादातर जो मुश्किलें आती है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, जो संख्या दी हुई होती है उन्हीं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। चलो देखते हैं कि इनके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। आप सबको पता है कि भाई एक का भाग हर संख्या में जाता है, 2 है, 2 में 1 का भाग जाता है, 100 तक की, 1000 तक की, या फिर हजारों तक की कोई भी संख्या जाए उसमें 1 का भाग जरूर जाएगा। लेकिन कई संख्याएं ऐसी होती है जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 1 का और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो कैसे पता लगा कि बड़ी सी संख्या जाए, और ये पता लगाना हो तो इसमें कौन सी संख्या का भाग जाए, तो उनका पता लगाने के लिए ये नियम पढ़ा जाता है, और आज इन्हीं नियमों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं ये नियम क्या होते हैं। अब ये देखो, पहला नियम है दो से विभाज्यता का नियम। अब देखो, दो से विभाज्यता, अब ये समझने की कोशिश करो कि 2 1 क्या है, सम संख्या है। हमेशा ध्यान रखें सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या होती है, और भी सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो ये देखो, जिसमें 0, दो से विभाज्यता क्या होते हैं, यदि किसी अंक के लास्ट में, यदि किसी अंक के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। अब ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो ये तो पढ़ा दिया कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आ जाए तो वो संख्या उससे विभाज्य होगी, यदि 2 4 6 8 आ जाए तो, और 0 आ जाए तो, 0 में तो किसी संख्या का भाग भी नहीं जाता, 0। और देखो, 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, और 8 में भी 2 का भाग जाता है। जैसे अपन देखते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए, जैसे 45 है, ये 44 है, 46 है, 56 है, या फिर 88 है, 90 है, यानी कि 98 है। अब ये देखो, कोई भी संख्या मान लो 12 है, 8 है, तो 8 में तो जाता ही जाता है। अब ये देखो, जो संख्या जिस अंक के लास्ट में, यानी कि जो भी अंक आ जाए, 2 अंकों वाला, 3 अंकों वाला, जिनके लास्ट में 0 8 2 8 मैंने जो भी बताए थे ये आ जाए तो वो किससे बाजी होगी, 2 से। अब चलो देखते हैं, 2 से ही संबंधित है, 4 का और 8 का है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ताकि और भी आसान हो। अब ये देखो दूसरा, अब इसमें दूसरा नियम चलेंगे, 4 का पढ़ेंगे पहले, फिर 3 का 6 का 9 का एक साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने में भी और भी आसानी हो। अभी देखो, 4 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में
मेचियार का भाग जाए, भाग जाए तो वह संख्या, वह संख्या चार से भाज्य होगी, चार से विभाज्य होगी। बहुत आसान है इनको याद करना, याद करना क्या, समझना बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, ताकि मैं तो ये यकीन की उपयोगिता क्या है, ये तो फट तो लेंगे, लेकिन वो इनकी उपयोगिता यानी कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है, कौन से सवालों में होता है, किस प्रकार के सवालों में होता है और किस प्रकार होता है, यह आपको मैं इसी वीडियो में या फिर इससे अलग जो भी वीडियो बन जाएगा, यदि ये लंबा बन गया तो इसमें इसका अगला पार्ट, पार्ट टू, उसमें आपको उपयोगिता ज़रूर बताऊंगा। ये देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो आपको कोई संख्या मिल जाए, जैसे 24 है, छोटी संख्या ले ले पहले, तो आप तो ये कहोगे सर किसी संख्या, संख्या तो ये होगी 24, जिसके लास्ट के दो अंक तो ये खुद ही है, दो ही तो अंक है इसमें, तो ये आपको ये पता है जिसमें दो अंक हो तो आप पता लगा लोगे उसमें दो अंकों में भाग देना 24 में, ऐसे 24 में भाग जाता है तो चार का भाग जरूर जाता है। यदि इससे अलग कोई संख्या मिल जाए आपको, जैसे मैं लिख दूँ 536, अब ये देखो 536 में पूरा में भाग देने की ज़रूरत नहीं है आपको, लास्ट में कौन से अंक हैं, दो अंक, लास्ट के दो अंक कौन सा है, 36 में भाग दे के देखो किसका, चार का, इसी में भाग जा रहा है क्या, हाँ यदि जाता है तो चार से भाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब ये देखो मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ 6 7 8 0 1 2, अब ये देखो इतनी इतनी लंबी होगी तो इसमें भाग देना और भी कठिन हो जाता है, तो कठिन हो जाता है तो क्या करेंगे, लास्ट के दो अंक है ना, ये वाले लास्ट के दो अंक, इनमें भाग दे के देखेंगे, यदि चार का भाग जाता है तो समझ लेंगे पूरी संख्या में चार का भाग जाता है। अब आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि चार से विभाज्यता कैसे, लास्ट के दो अंकों में यदि चार का भाग जाता है तो चार से विभाज्य होगी, और खैर दो से तो हो ही होगी कि लास्ट में यदि कोई समसंख्या आ जाए तो दो से होगी। अब ये देखते हैं इससे ही संबंधित जो आठ का होता है विभाजकता का नियम, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो तीसरा, आठ से विभाज्यता का नियम, आठ से विभाज्यता। अब ये देखो किसी संख्या के, किसी संख्या के क्या के अंतिम तीन अंकों को में आठ का भाग जाए तो, आठ का भाग जाए तो वह संख्या आठ से विभाज्य होगी। अब ये देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि आप ऐसे कहोगे गुरुजी आठ से विभाज्य तीन अंकों में कौन देगा। अब यहां पर देखो कोई संख्या लिख लेता हूं मैं, कोई लंबी सारी 8946 6 8 2 0 2 4, ये लिख लेते हैं। अब ये देखो लास्ट के तीन अंक है ना, लास्ट वाले 824, इसमें किसका भाग देके देखो, आठ का, तो आप सभी को पता है कि हम इसमें भाग देके देखेंगे। देखो यहाँ पर 824 है और 824 में किसका भाग देंगे, आठ का, आठ एकम आठ, माइनस किया जीरो आ गया, अब दो उतारा भाग टूट गई जीरो, यहाँ पर चार उतार गया, आठ आठ तिया 24, अब ये देखो भाग है ना, तो ये आठ से भाज्यता की यानी कि आठ से भी भाज्य होगी। अभी कोई भी संख्या ले सकते हो आप, ऐसे कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन देखो लेंदी तो क्या होगा, लेकिन ये है कि लास्ट के जो तीन अंक होते हैं ना उनमें भाग देके देखेंगे। अगली संख्या देखते हैं, मैंने लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिखते हैं 5 6 7 9 8 2 3 2, अब ये देखो जो लास्ट के तीन अंक है ना, लास्ट के तीन अंक कौन कौन से, 0 32, इसमें भाग दे के देखेंगे। अब ये देखो 32 है, अब जीरो तो जीरो का कोई महत्व है नहीं, यहाँ पर जीरो उतार दो, आठ का भाग दे के देखेंगे किस में, 32 में, 8 चौक 32,
आठ चौक 32, 4 बार गया। अब ये देखो लास्ट में भाग गया ना, तो इसी प्रकार 8 का भी भाजकता का नियम भी इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे चौथा नियम आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं तीन का, चौथे नंबर का देखेंगे तीन का विभाजकता का नियम। क्वाड्रेटिक अब ये देखो, तीन का विभाज्यता नियम पढ़ने से पहले अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कुछ अंक दिए हुए होंगे अपन को, और उन अंकों को क्या करना है अपन को, उन अंकों को जोड़ना है। जो संख्या दी गई है और संख्या में जो अंक है ना, अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने पर फिर किसका भाग देना है, तीन का। यदि जाता है तो वो संख्या तीन से क्या होगी, विभाज्य। चलो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। पहले परिभाषा लिखते हैं, तीन का विभाज्यता नियम, दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर, जोड़कर तीन का भाग देंगे। तीन का भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, तीन का भाग दिया जाता है। अब देखो, कोई भी संख्या दे रखी होगी और उसमें उनके अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद तीन का भाग देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको कोई भी संख्या दे दे, 54 है। अब कैसे पता लगाएंगे कि 54 में तीन का भाग जाता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 54 है ना, तो जो 5 और 4 है इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 5 प्लस 4 बराबर कितना, 9। तो 9 में किसका भाग जाता है, तीन का जाता है ना। जैसे इससे भी बड़ी संख्या ले ले भाई, इससे मान लो कि इस संख्या में नहीं जा रहा था, 729 ले लेते हैं, 729। अब ये देखो, 7 प्लस 2 प्लस 9। अब देखो, 9 और 2 11, और 11 और 7 18। देखो 18 में किसका भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है ना। यदि मान लो 18 के भी इन अंकों को जोड़ना चाहते हो, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 में किसका भाग जाता है, तीन का। अब ये देखते हैं कि इसका जो सही सेम टू सेम किसका है, 9 का है। पांचवा नियम देखते हैं, 9 का, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता। अब देखो, विभाज्यता का नियम क्या होगा, दी गई संख्या के अंकों को सेम टू सेम, ये वो की वो परिभाषा है, दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर 9 का भाग दिया जाता है, 9 का भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। अब देखो, मैंने लिख दिया जैसे 729 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, कितना, 729 लिख दिया। अब इनके अंकों को जोड़ो, 7 प्लस 2 प्लस 9। अब इनका अंकों को जोड़ा तो कितना आया, 18। क्या 18 में भाग जाता है क्या, किसका, 9 का। तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 9 का। अब चलो देखते हैं, हमने यहाँ पर भी 729 ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, अपन यहाँ पर है ना अलग संख्या लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो 1 3 0 5 ले लिया। अब ये देखो, इनके अंकों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5। अब देखो, इतनी बड़ी संख्या में भाग देना मुश्किल रहता है, लेकिन ये देखो कि इस संख्या में किसका भाग जा रहा है। पहले तो इसके अंकों को जोड़ो, पहले तो ये देखना है कि इसका लास्ट वाला अंक, यानी कि लास्ट वाला क्या आ रहा है, तो उसके अनुसार करना पड़ता है कौन सा अंक आ रहा है। अब ये देखो, इसमें देखो 1 3 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4 ही आएगा, और 4 में 5 जोड़ा तो 9। क्या 9 में भाग जाता है, किसका जाता है, क्या 9 में 9 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 9 का। अब ये देखो, इससे जो अगला नियम चलेगा किसका, 5 का, 5 का देखते हैं, या फिर किसका देखते हैं, 5 का ही देख लेते हैं, 5 का भी विभाज्यता।
अब ये देखो इसमें पांच की में एक कंडीशन लगती है कि जो जो संख्या दी होती है उसका लास्ट वाला अंक जो इकाई अंक है जो उसमें या तो पांच होना चाहिए या फिर जीरो, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का इकाई अंक। जीरो या फिर पांच, पांच हो तो वह संख्या पांच से भी बाजी होगी, पांच से भी बाजी होगी। पांच से भी बाजी होगी। अब ये देखो इसमें जब उदाहरण की बात की जाए, देखो उदाहरण, देखो उदाहरण में मैं लिख दूं यहां पर 4 5 6 0 5, पांच आ रहा है ना, इसमें पांच का भाग जरूर जाएगा, भाग देके देख लेना, पांच का भाग जरूर जाएगा। ये देखो छोटी सी संख्या लेके देखते हैं 45। अब सबको पता है 45 में पांच का भाग जाता है, 9 5 45, 5 बार, यानी कि 9 बार जाता है। पांच का भाग कितनी बार जाता है? पांच का भाग 9 बार जाता है। ये देखो इतनी बड़ी संख्या लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 4600 लिख दिया तो लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है ना, एक जीरो आ जाए भी, देखो मैं यहाँ पर 460 भी लिख देता तो भी किसका भाग जाता? पांच का। तो ये पांच का भी भाग जाता का नियम होगा। अब ये देखो सातवां नियम चलता है किसका? छक्का। छक्का भी भाजकता का नियम, छक्का विभाजकता। अब ये देखो लेकिन आपको एक केवल समझने वाली बात है, छक्का विभाजकता नियम यदि पढ़ना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले छ में किसका भाग जाता है? दो का। दो का हमने पढ़ लिया, क्या नियम चलता है? अंकों यानी कि लास्ट में कौन सी संख्या आनी चाहिए? सम संख्या आनी चाहिए। और तीन का भाग जाता है कि अंकों का योग किस में? तीन का विभाजकता का नियम। इसमें दो नियम काम में काम करेंगे। यदि दो का और तीन का विभाजकता का नियम काम करता है ना जिसमें, उसमें छ का भाग जरूर जाएगा। चलो देखते हैं। अभी ये देखो पहले तो जो इकाई अंक है ना, पहली कंडीशन जो शर्त है, पहली क्या शर्त है, क्या शर्त होनी चाहिए इस नियम के लिए? पहली शर्त है इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या पहली कंडीशन। दूसरी शर्त, शर्त फर्स्ट ही तो ये हो गई, और सेकंड शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? अंकों का योग, अंकों के योग में क्या होना चाहिए? तीन का भाग, तीन का भाग। ये दो कंडीशन लागू होंगी तो भी विभाजकता का नियम छक्का काम देंगे। जैसे मैंने लिख दिया कोई भी संख्या लिख दो, और मैं संख्या लिख रहा हूँ इसमें 3 2 0 0 4। अब ये देखना है कि इसमें छक्का भाग जाता है। पहली कंडीशन क्या देखनी है? इकाई अंक क्या होनी चाहिए? सम संख्या, सम संख्या है, देख ली। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है? अंकों के योग में तीन का भाग। पहली कंडीशन क्या है? इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अंकों के योग में तीन का भाग। अब ये देखो 3 2 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही आएगा, और उसमें 5 में 4 जोड़ा तो 9। क्या 9 में तीन का भाग जाता है? जाता है तीन का भाग। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें किसका नियम चलता है? छक्का विभाजकता लिखने की क्या जरूरत है? अब मान लो एक और संख्या लिख लो 102 42। अब ये देखो अभी इनका इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, और इनका योग करो 2 4 6 6 2 8, 8 1 9। अंकों का योग कितना हो रहा है? 9। 9 में 3 का भाग जाता है? जाता है। तो ये इसमें छह का विभाजकता का नियम। लेकिन 3 के विभाजकता के नियम में लास्ट में है ना सम संख्या आए ना आए, ना आए ना तो भी भाग जाएगी, इसमें नहीं आई भी सम संख्या आई ना, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा केवल। इसमें ये कंडीशन, दोनों कंडीशन लागू होंगी, कौन से में विभाजकता के में, छक्का विभाजकता का नियम में। चलो देखते हैं अब सातवां नियम क्या कहता है। यहाँ पर सातवां नियम पढ़ने के लिए अपन सातवां नियम पहले किसका पढ़ेंगे? 11 का पढ़ेंगे पहले। तो
ग्यारह के बाद में सात कपड़े, फिर हमारी ये विभाजक तक नियम खत्म हो जाएंगे। लगभग इतने ही पूछे जाते हैं एग्जाम में और इनसे ही रिलेटेड अपन को करना पड़ता है बाकी का तो। और जैसे भी कोई विस्तार से पूर्वक है यदि और डिटेल से बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी आपके लिए बहुत सुफिशेंट होगा। अब देखते हैं आठवां नियम। आठवें नियम के साथ ग्यारह का विभाज्यता, ग्यारह का विभाज्यता। ग्यारह का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो दी गई संख्या होती है ना उनके अंकों को सम संख्या, सम अंकों और विषम अंकों का योग, योग या तो ग्यारह हो या फिर उनका अंतर जीरो हो, अंतर अंतर जीरो हो और इनका योग ग्यारह हो या फिर बाईस हो, कुछ भी हो, तो उसमें किसका नियम लागू होता है? ग्यारह का। अब देखो ग्यारह का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या की संख्या के संख्या के विषम व सम अंकों के सम अंकों के अंकों का अंतर, अंतर तो कितना आना चाहिए, अंतर तो कितना आना चाहिए, जीरो। अंतर क्या आना चाहिए, जीरो, ग्यारह या फिर बारह, बाईस, बारह नहीं बाईस, ग्यारह का गुणज होना चाहिए, अंतर अंकों का अंतर इतना होना चाहिए। अब ये देखो सम और विषम संख्याओं का जो अंक होते हैं, दी गई संख्या जो अंक होते हैं, जैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल छोटा सा, 308 लिख दिया, लिख दिया एक संख्या छोड़ के एक संख्या के अंकों को जोड़ना है। देखो ये अंक है, पहला है, पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये हो गया, तो यहाँ पर जंप मारनी है, यहाँ पर ऐसे मान लो ये संख्या लिख दिया, तो ऐसे जंप मारनी है, चौथा अंक हो गया ये वाला चौथा अंक हो गया, तो तीन को और किसको जोड़ना है, आठ को, तीन प्लस आठ बराबर ग्यारह, और जीरो प्लस जीरो को जोड़ना बराबर कितना हो गया, जीरो है ना। अब मान लो यहाँ पर कितना आ रहा, अब इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर, अंतर करेंगे और अंतर करेंगे तो 11 में जीरो घटाया तो 11 ही तो आएगा, अरे 11 में जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब ये देखो एक संख्या छोड़ के एक संख्या जोड़नी थी, अब मान लो कि मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ये हटा दिया, मान लो तीन ही अंक रहने दिया मैंने, तीन ही अंक, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल जीरो आएगा, जीरो बराबर जीरो, इनका अंतर भी कितना आया, ग्यारह। मैंने क्या कहा था, यह तो अंतर जीरो आना चाहिए, फिर ग्यारह, फिर ग्यारह का गुणज, ग्यारह के गुणज जरूर पढ़ाए होंगे मैंने आपको, लेकिन ग्यारह के गुणज यदि किसी को पता ना हो तो ग्यारह का गुणज क्या होगा, देखो ग्यारह का पहला गुणज क्या होगा, ग्यारह, और ग्यारह का दूसरा गुणज बाईस, तीसरा गुणज ऐसे तीन से गुना कर देंगे, चौथा गुणज चार से गुना कर देंगे, पाँचवा गुणज ग्यारह को पाँच से गुना कर देंगे, छठवा गुणज जो ग्यारह को छः से गुना कर देंगे, ऐसे गुणज निकालते जाएंगे, उसके अनुसार अंतर आए ना, तो उसमें किसका भाग जाता है, ग्यारह का भाग जाता है। अब ये देखो इसमें कुछ संख्या दे रखी होती है, तो मैं आपको कुछ संख्या बता देता हूँ, देखो और एग्जांपल लेते हैं, 1331 मान लो ये संख्या ले ली, तो एक संख्या छोड़ के एक संख्या पर देखो ये वाली संख्या, और यहाँ पर ये देखो यहाँ से ये वाली संख्या, तो इस एक को और इस तीन को जोड़ना है, एक प्लस तीन, ये वाला एक लेना है, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर ये वाला तीन लेना है, तो जोड़ दिया कितना आया, चार। अब ये देखो इस अंक को तो जोड़ लिया, इस अंक को जोड़ना है, इस वाले को छोड़ना है, क्योंकि इस वाले को जोड़ लिया हमने, इस वाले को और पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ लिया, और दूसरा वाला और चौथा वाला जोड़ना है, तो पहले तो क्या आएगा, तीन प्लस लास्ट वाला एक बराबर चार। अब इन दोनों का अंतर किया ना, अंतर, तो अंतर किया तो कितना आया, जीरो आएगा ना, अरे चार में चार घटाएं तो कितना आएगा, जीरो आएगा, तो इसमें किसका भाग जाता है, ग्यारह का। तो ग्यारह का विभाजकता का नियम है ऐसे ज्ञात करते हैं, आपको पूछ ली जाएगी इसमें ग्यारह का विभाजकता का नियम लागू होता है नहीं होता है, तो इस प्रकार कर सकते हो। अब ये देखो नौवां नियम, सात का विभाज्य, लास्ट वाला देख लो, लास्ट का विभाज्यता, विभाज्यता।
अब ये देखो कि जो अंक कोई दी अंक दिया गया होगा आपके, पहली बात तो ये नियम आपके है नहीं, लेकिन आपको जैसे जो दी गई संख्या होती है उसमें क्या करना है कि इकाई अंक को 2 से गुणा करना है, और 2 से गुणा करने के बाद बाकी शेष संख्या में से उसको घटाना है। अब ये देखो उदाहरण से समझ ले, परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखते हैं 343, देख लिया 343, जो अंक दे रखा होता है कौन सा लास्ट वही इकाई अंक, इसको किससे 2 से गुणा करते हैं, बाकी शेष संख्या में से क्या करना है घटाना है, ठीक है ना। अब ये देखो 3 को किससे गुणा करना है 2 से, और शेष संख्या में से घटाना है, 3 दूनी 6, और 34 में 6 घटाया तो, अरे 34 में 6 घटाया तो 28, क्या 28 में 7 का भाग जाता है, जाता है 7 का भाग जाता है, 28 में 7 चौक 28। अब ये देखो 3 को 2 से गुणा किया, 3 को 2 से, 3 दूनी 6, अभी इस 3 को भूल जाओ पूरी संख्या को, बाकी कितना बताया 34, 34 बच गया, और 34 में कितना घटाना है इसका 2 गुना, 2 गुना घटाया कितना आया 28 आ गया। अब देखो यदि इससे बड़ी संख्या आ जाए, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, देखो अपन संख्या लिखते हैं, सात 21 और 3 24, ये देखो अब ये एक है इकाई अंक का 2 गुना, बाकी शेष संख्या में से घटाना है, इकाई अंक का 2 गुना बाकी शेष संख्या में से घटाते रहो, जब तक घटाते रहो जब तक कि 7 का भाग नहीं चला जाए, इसमें परिभाषा भी लिख सकते हैं अपन। तो ये देखो कि इकाई अंक का 2 गुना, अंक का 2 गुना बाकी से संख्या में से जब तक घटाते रहो, जब तक 7 का भाग न चला जाए, 7 का भाग भाग नहीं चला जाए। अब ये देखो 24 है, यानी कि 2401 है, इसका 1 का 2 गुना कितना होता है 2, तो 240 - 2 बराबर कितना आया 238 आएगा ना। अभी इसमें पता लगा है कि 7 का भाग जाता है कि नहीं, फिर इसका इकाई अंक कितना है 8 है, और इसका इकाई अंक का 2 गुना अभी देखो कितना आ गया 238 है ना, 38, इसका इकाई अंक कितना हुआ 8, और 8 का 2 गुना 16, तो 23 - 16, अरे 23 में 16 घटाएंगे क्या 7 ही आएगा, क्या 7 ही आएगा, तो 7 में 7 का भाग जाता है। इस प्रकार आप विभाजकता के नियम ज्ञात कर सकते हो। अभी ये देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता समझने की कोशिश करेंगे। इनको उपयोगिता देखने की कोशिश करेंगे अपन, तो ये देखते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या होती है। बात की जाए उपयोगिता की, तो इनकी उपयोगिता क्या होती है, देखो ये भाग होता है, भाग सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किस में होती है, भाग में, एक किस में होती है लैसे में, लैसे होता है, और एक किस में होती है मैसे में। बात की जाए उपयोगिता की, अब इनके अलावा भी और भी उपयोगिता होती है वो आपको बताएंगे। अब ये देखो भाग में, भाग में अपन है ना 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी संख्या हो, या फिर कंपटीशन का SSC की हो, फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 6, 7, 6 से लेकर 10 तक तो काम आती रहती हैं, उसके अलावा भी काम आती है, जैसे कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी, कि कोई सवाल को हल करेंगे तो उसमें भाग ज़रूर आएगा, और भाग आएगा तो उस भाग को कैसे हल करें, लास्ट में कितना 0 आ जाए और 5 आ जाए, तो किसका भी भाग तक नियम चलता है 5 का भाग जाएगा, उसमें किसका भाग जाएगा 0 आ जाए तो 2 का भाग जाएगा, या फिर उसके अंकों को योग को जोड़कर 3 का 6 का और 8 का विभाजकता का नियम देखते, या फिर सम विषम संख्या देख के एक संख्या छोड़ के एक संख्या
किसका नियम देखते हैं, 11 का। अब ये देखो मैंने 10 का भी 75 तक नियम इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि लास्ट में यदि 0 आ जाए ना तो उसमें किसका भाग जाएगा, 10 का जरूर जाएगा। यदि किसी संख्या के लास्ट के जब इकाई अंक यदि 0 आ जाए तो उसमें किसका भाग जाएगा, 10 का जरूर जाएगा। अब ये देखो लैसे भाग का तो आपने समझ लिया, बात की जाए लैसे की, तो लैसे में भी ऐसा होता है। अब लैसे में क्यों भाग विधि भी लगाते हैं कई बार, और मैसे में देखने के लिए, जैसे आप बार मान लो मैं ऐसे कह दूँ कोई लंबी संख्या आ जाए, 7 है, 28 है, 56 है और 343 है। अब ये देखेंगे कि क्या 56 में भाग जाता है, हाँ इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा क्योंकि सम संख्या आ गई। 7 का भाग 7 में जाता है, 28 में जाता है, 56 में जाता है, क्या 343 में जाता है क्या, यही देखने के लिए। जैसे इकाई अंक है, इकाई अंक का 7 का विभाजक तक नियम आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, इकाई अंक का दोगुना बाकी 6 संख्या में से घटाएंगे, 3 × 2 = 6, 6 किस में से घटाएंगे, 34 में से घटाएंगे, तो कितना आएगा, 28 आएगा कि नहीं आएगा ना, तो 28 में किसका भाग जाता है, 7 का। ऐसे नियम काम आते हैं कि लैसे मैसे में, और मैसे में भी यही काम आता है। जैसे मान लो ये संख्या मैसे में होती और इसके अलावा मान लो 49 रहती और इसके अलावा कोई भी संख्या 24 01 होती या फिर 56 होती, तो हमको पता है कि भाई 49 में 7 का भाग जाता है, 56 में 7 का भाग जाता है, 7 × 2 = 56, 7 × 7 = 49, यहाँ पर 7 आ जाता है, 8 आ जाता। अब इसमें भाग दे के देखेंगे, लेकिन इसमें पूरे भाग देने के बजाय वही नियम काम में लेंगे ना, ताकि सवाल अपन से जल्दी हो सके। अब ये देखो वही 1 का 2 गुना इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाएंगे, शेष संख्या कितनी है, 240 है, 240 में 1 का 2 गुना 2 होता है, घटाएंगे तो 238। अब इस इकाई अंक का 2 गुना 23 में से घटाएंगे कितना, 16, और 16 घटाएंगे कितना आएगा, 7, और आपको पता है 7 में 7 का भाग जाता है। इस प्रकार विभाजकता का नियम बहुत काम आता है। जैसे भाग में आपको ये दे दिया जाए कोई भी बड़ी संख्या दे दी जाए, 15625, 15625, लेकिन ये पता है कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसमें तो किसका भाग चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 25 का चला जाएगा, लास्ट के अंक 5 आ गया तो इसका 5 का भाग जरूर चला जाएगा। लेकिन आपके सामने यदि मान लो अजीब गरीब कोई संख्या लिख दी जाए, जैसे 405 0101, ये संख्या लिख दी जाए और इसमें भाग देना है किसका, 9 का भाग देना है, ये फिर 3 का भाग देना है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो इसके अंकों को जोड़ना है और अंकों को जोड़ने के बाद उसका योग देखना है कि 9 से और 3 से विभाज्य है या नहीं। देखो 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 2 में 5 जोड़ा तो 7 और 7 में 2 जोड़ा तो 9, इनका अंकों का योग कितना आया, 9 आया ना, तो 9 किससे विभाज्य है, 3 से और किससे, 9 से। इस प्रकार अपन भाग में लैसे और मैसे में और अन्य प्रकार की और भी सवाल आते हैं जिनमें हमें इनका विभाज्यता का नियमों को प्रयोग करके, हाँ गुणनखंड में होता है इसका उपयोग, किस में होता है, गुणनखंड में समीकरणों में होता है। तो इनकी उपयोगिता अनेक प्रकार के सवालों में देखी जा सकती है इनकी उपयोगिता, और इस प्रकार आप इन सवालों को आराम से इजीली से विभाज्यता के नियमों के अनुसार कर सकते हो। चलो ये हमारी प्रश्नावली पूरी हुई, मिलते हैं अगले वीडियो में।